नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। एक तरफ कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, मारामारी हो रही है, बेड नहीं है और तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की पोल इस कोरोना ने खोल कर रख दी है, लेकिन इन सबके बीच गुजरात के वडोदरा से एक बेहद अच्छी खबर सामने आई। अच्छी कह लीजिए या फिर वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो वो जो तिनका होता है वो भी एक बहुत राहत की खबर होती है। तो कुछ ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई है गुजरात के वडोदरा से। दरअसल यहाँ पर जो अस्पताल हैं उनमें बेड की किल्लत ना हो, जो पेशेंट्स हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर गुजरात के वडोदरा की एक मस्जिद को कोविड सेंटर बना दिया गया। मस्जिद को सोचिए, कोविड सेंटर बना दिया गया, और चूंकि अस्पतालों पर काफी दबाव है और इसीलिए यहां पर बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे बेड की किल्लत हो रही है और उससे गुजरात के वडोदरा के लोगों ने निपटने की तैयारी की है। बता दें आपको, वडोदरा की जहांगीरपुरा मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है और यहाँ पर 50 से ज़्यादा बेड्स लगाए गए हैं और इन बेड पर जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको रखा गया है, मरीजों का इलाज हो रहा है। मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं उनका कहना है कि ऑक्सीजन और बेड की किल्लत होने के कारण हमने इस मस्जिद को कोविड फैसिलिटी सेंटर में तब्दील कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रमज़ान में इससे पाक काम और हम क्या कर सकते थे। यहाँ पे अभी फिलहाल 50 बेड है और जरूरत पड़ने पे और 50 बेड लगा सकते हैं, इतना स्पेस है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा है? ऑक्सीजन है और बायपैक है हमारे पास, अभी ये दो चीज़ें हमारे पास है। और अगर कुछ सेट हुआ, कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ वेंटिलेटर भी आ जाए। और वैसे देखो, ये मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है और हम सब जो भी है, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कोई अल्लाह का बंदा है। और ये भी एक मस्जिद में इबादत होती है और लोगों की सेवा करना भी एक इबादत है, ये हमारा मजहब भी यही सिखाता है। जाहिर तौर पर यह खबर सोशल मीडिया पर आनी थी तो फिर इसकी तारीफ तो होनी थी। कृणाल नाम के एक यूजर ने लिखा, ग्रेट जॉब गाइस, कीप इट अप, दैट इज व्हाट इंडिया इज कैपेबल ऑफ। फिर एक और यूजर है विजय, उन्होंने लिखा, ग्रेट जॉब बाय द मस्जिद टीम, दिस इज द टाइम वेयर नो रिलीजन वर्क्स, ओनली ह्यूमैनिटी वर्क्स, हैट्स ऑफ। राहुल खन्ना नाम के यूजर ने लिखा, वेल डन। तो इस तरह से तारीफें हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये है मेरा भारत, जिस भारत की मैं कल्पना करता हूं, जिस भारत में मैं रहता हूं वो ये है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी खबर गुजरात के वडोदरा से सामने आई है, लेकिन यहां पर सवाल ये भी है कि मस्जिद को तो कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है, लेकिन अस्पतालों का क्या? अस्पतालों में किल्लत क्यों हो रही है, कब तक होगी और कब इसकी आपूर्ति की जाएगी, सरकार पर भी सवाल खड़े हो रही हैं। तो खैर, आप बताइए, आपको मस्जिद की ट्रस्टी की तरफ से लिया गया ये फैसला कैसा लगा और देश में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त उनको लेकर आप क्या सोचते हैं?